नमस्ते दोस्तों, गर्मी का सीज़न आ गया है। बड़ी गंदी गर्मी पड़ रही है इस समय नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली में। और गर्मियों में एक ऑर्गन है जो हम सबका मतलब जो बहुत ग्रस्त हो जाता है, वो है हमारा पेशाब का सिस्टम या हमारी किडनियों का सिस्टम या हमारा जो यूरिनरी ट्रैक्ट है। इस मौसम में स्टोन बनना, गुर्दे ख़राब होना, किडनी में प्रोटीन निकलना, पेशाब में जलन बनना, गंदा पीला पेशाब आना, बदबूदार पेशाब आना, बार बार यूटीआई होना, बार बार इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन है। और ये गर्मी का सीज़न तो हमारे कंट्री में हर साल हज़ारों साल से आ रहा है, और इसी कारण से गर्मी के सीज़न में हम क्या सावधानियां बरते हैं या हम क्या चीज़ें जो है जो हम एक केयर कर सकते हैं ताकि हम लोगों की किडनी सेफ़ रहे और हमारे जो यूरिनरी ट्रैक्ट है सेफ़ रहे, पेशाब अच्छा आए, बदबू ना बने। तो वो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है, कुछ डाइट्स है, कुछ वाटर एडवाइस है जो मैं आपको आज देने वाला हूँ, और इसको आप इस सीज़न में फॉलो करें और आपको उससे बहुत अच्छा, बहुत लॉन्ग टर्म बढ़िया फ़ायदा रहेगा और गर्मियों में आपकी किडनियाँ सेफ़ रहेगी और गर्मी जो है बहुत आराम से निकल जाएगी। ये मेडिकल एडवाइस है, पर इसको फॉलो करने से पहले अपने घर के पास किसी भी यूरोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखा लें। ये बेसिक एडवाइस है। अगर आपको डायबिटीज़ है, किडनी स्टोन्स है, किडनी कम काम करती है, बच्चे हैं, एक सिंगल किडनी है, किडनी का फंक्शन ख़राब है, डायलिसिस पे है, तो हो सकता है कि इन एडवाइस को आपको मतलब ये एडवाइसेस जो है उसको यूरोलॉजिस्ट मॉडिफाई करे। मैं हूँ डॉक्टर विजयंत गोविंदा गुप्ता। मैं हूँ एक न्यू दिल्ली इंडिया में एक यूरोलॉजिस्ट। यूरोलॉजिस्ट मतलब ऐसे डॉक्टर या ऐसे सर्जन जो किडनीज का इलाज करते हैं, पर मैं एक यूरोलॉजिस्ट हूँ जो चाहता हूँ कि आप अपनी किडनीज़ को सेफ रखें। तो किडनीज़ को सेफ रखने के लिए समर सीज़न में सबसे पहला काम है पानी। तो पानी तो आपके पास हमेशा साफ, बिना मिला हुआ, बिना कार्बोनेटेड पानी, बोरवेल का हो, वेल का हो, MCD का हो, साफ हो, क्लीन हो, RO का हो, नॉन RO का हो, उसकी हम बड़ी डिटेल में अलग बात करेंगे। पर सबसे पहले गर्मियों में अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए आपको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो पीना चाहिए। कितना पानी पीना चाहिए कई बार क्वेश्चन उठता है, तो आपका जितना भी वजन है अपने वजन को आप जो है 4 से मल्टीप्लाई कर लो, उतना जो लीटर है उतना लीटर आपको पानी पीना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका वज़न 80 किलो है तो 80 × 4 3.2 मतलब 3.2 लीटर पानी, साफ पानी आपको दिन में उपयोग करना चाहिए। इससे आपकी किडनी सुरक्षित रहेगी, पेशाब सफ़ेद आएगा, पीलापन नहीं रहेगा, किडनीज हेल्दी रहेगी। और इससे ज़्यादा पानी पीते हैं तो किडनीज डैमेज होगी, इससे कम पानी पीते हैं तो किडनी डैमेज होगी। 3.2 से 3.4 लीटर पानी आपके लिए काफ़ी है। ग्लास में समझना है तो एक ग्लास में 300 ml पानी होता है, तो ऑलमोस्ट 10 से 11 ग्लास पानी पीना है। पानी साफ़ हो, पानी RO हो नहीं हो डजंट मैटर, पानी के अंदर चीनी ना मिलाए, पानी में नमक ना मिलाए, प्लेन पानी सबसे इंपॉर्टेंट है। पानी को एक साथ, ये नहीं कि पूरे दिन का पानी, सुबह 2 लीटर पानी पी लिया और रात को 1 लीटर पानी पी लिया, ऐसे नहीं। दिन भर में, पूरे दिन में आपको पानी का इंटेक रखना है। इससे आपके ब्लड में हमेशा पानी रहेगा, किडनी हमेशा सेफ रहेगी। अगर आप ये है तब अगर आप मॉडरेट एक्टिविटी कर रहे हैं, घर पे काम कर रहे हैं, पर अगर आप गर्मी में जा रहे हैं, AC मैकेनिक है, ओपन में काम करते हैं, पुलिस ऑफिसर है, आपका पसीना बहुत निकलता है, तो आप इस पानी को 1.5 गुना मतलब 5 लीटर तक पानी जो है उसका उपयोग करेंगे। अच्छा, अब हो गए पानी। पानी के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो गर्मी में आपको नहीं लेनी चाहिए, गर्मियों के टाइम में आपको नहीं खानी चाहिए, जिससे गुर्दे ख़राब होते हैं, पेशाब में इन्फेक्शन होता है, किडनी स्टोन बनते हैं? और वो 3 चीज़ें हैं जिनको हम गर्मी में, हमें हर हद में तेज़ गर्मी में अवॉइड करना चाहिए। पहला है नॉनवेज। तो जो नॉनवेज है, हाई प्रोटीन इंटेक है, जैसे चिकन हो गया, मटन हो गया, एग्स हो गए, लेना चाहे ले सकते हैं, पर जितना कम लेंगे या अवॉइड करेंगे उतना ही आपके लिए गर्मियों में अच्छा है, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है और ये एसिड जब किडनी से निकलता है तो किडनी को डैमेज करता है। दूसरा है नमक। नमक का उपयोग कम से कम कीजिए, नमक जितना कम लेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। नमक किसी भी फॉर्म में, चाहे खाने में डालना हो, छाछ में डालना हो, लस्सी में डालना हो, लेमनेड में डालना हो, एक्स्ट्रा नमक नहीं, जो खाने में नमक है उतना नमक काफ़ी है। आपने अचार, ये पापड़ और जो ये नमक वाला पार्ट है, इसको अपने डाइट में कम करना है।
और तीसरा है चीनी, चीनी मतलब शुगर, तो मीठा सामान। ये बड़ी कॉमन हैबिट है, गर्मियों में हमारी प्यास लगती है, हम लोग कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, पेप्सी पी लेते हैं, कोकोला पी लेते हैं, वो प्यास कभी ख़त्म ही नहीं होती। जो प्यास पानी ख़त्म कर सकती है वो प्यास शुगरी ड्रिंक्स, सॉल्टेड ड्रिंक ख़त्म नहीं कर सकती। शुगरी ड्रिंक्स सिर्फ कुछ टाइम के लिए टेस्ट देती है, रिलीफ देती है, पर बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है। और स्पेशली समर्स में चीनी रहेंगे, इन्फेक्शन बढ़ेगा, यूटीआई बढ़ेगा। कई लेडीज़ जिनको बार बार यूटीआई होता है, अपना चीनी का इंटेक कम करें तो डायबिटिक्स में तो फ़ायदा है। और फिर हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमको समर्स में लेनी चाहिए, जो समर्स में हमको हेल्दी रखती है। तो मैं आपको तीनों पार्ट्स ऑफ आर कंट्री के लिए चीज़ दूंगा। अगर आप सपोज़ हमारे नॉर्थ में हैं जहाँ दूध दही मक्खन का प्रचलन है, तो दूध, मिल्क, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे छाछ, जैसे लस्सी, ये तीनों ही चीज़ें समर्स के लिए हेल्दी है, बॉडी को ठंडा रखती है, किडनीज को फ्लश करती है। पर ध्यान रहे कि जो दूध हो, चाहे लस्सी हो, चाहे छाछ हो, उसमें से मक्खन वाला पार्ट जो है, घी वाला पार्ट जो है, उसको निकाल दे। उसमें कोई भी नमक या बाहर से कोई चीनी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। जितना उसको आप डाइल्यूट लेंगे, जितना आप उसको प्लेन लेंगे, उतना आपके लिए हेल्पफुल है। जो हमारे साउथ इंडिया के लोग हैं, नारियल, कोकोनट वाटर, बेस्ट हाइड्रेटिंग एजेंट, बेस्ट हाइड्रेंट, कोकोनट वाटर अच्छी मात्रा में ले सकते हैं। कोकोनट वाटर भी किडनीज़ को अच्छा फ्लश करता है और किडनीज़ के लिए बहुत हेल्दी है। और जो हमारे वेस्टर्न, ये हमारे बिहार साइड के, और हमारे जो भाई जो सत्तू यूज़ करते हैं, तो सत्तू एक मेजर सुपर फूड है, सत्तू एक मेजर हाइड्रेटिंग एजेंट है, सत्तू एक बहुत, इवन आयुर्वेद के पॉइंट से भी एक कोल्ड सब्सटेंस है, इवन एलोपैथी के पॉइंट से भी इट इज़ एन अल्कलाइन सब्सटेंस। और सत्तू से आपको प्रोटीन भी मिलेगा, रिफ्रेशमेंट भी मिलेगी, एनर्जी भी मिलेगी, और आपकी किडनीज़ बहुत सेफ रहेगी। पर अगेन, सत्तू को यूज़ करने के लिए फिर चीनी वाला नहीं, जितना प्लेन इसको आप ले सकते हैं, पावर उतना ही आपको ये पावर देगा, उतना ही आपको हेल्थ देगा। दो फ्रूट्स समर सीज़न के हैं जो बहुत हेल्पफुल होते हैं किडनीज़ के लिए। एक तो सिट्रस फ्रूट्स, हमारी मौसम्बी और हमारा, ऑब्वियसली नींबू बहुत महंगा हो गया है, पर नींबू और मौसम्बी, ये दोनों चीज़ें सिट्रस है, किडनीज़ को फ्लश करने के लिए, हेल्थ रखने बहुत अच्छी है। अगर आप दिन में नींबू पानी ले सकते हैं, बिना चीनी के, बिना नमक के ले सकते हैं, सिट्रस जूसेस है ले सकते हैं, किडनीज़ के लिए बहुत हेल्पफुल है। और वाटरमेलन, वाटरमेलन और ये जो हमारे ठंडे फ्रूट्स है, वाटरमेलन, मैंगो, खरबूजा, ये फ्रूट्स भी किडनीज़ के लिए हेल्पफुल है और समर्स में आपको हाइड्रेट रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और लास्ट में मैं आपको एक ऐसी दवाई बताऊँगा जो अगर आपको, सपोज़ KFT ठीक है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, पेशाब में स्मेल है, पेशाब में बदबू आ रही है, पीला पेशाब आ रहा है, किडनीज़ में स्टोन की समस्या बनती है गर्मियों के टाइम में, तो पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम सिट्रेट सिरप के फॉर्म में भी आता है, मैग्नीशियम सिट्रेट के साथ मिलके ये जो दवाई है, ये सैशे फॉर्म में भी आती है, ये टैबलेट फॉर्म में भी आती है। इसको आप बड़े ग्लास पानी में, एक फुल बड़े ग्लास पानी में दो चम्मच मिला के, शुगर फ्री वाला, दो चम्मच मिला के सुबह, तेज़ कड़वा होता है, सुबह और शाम अपनी डाइट में ले सकते हैं ड्यूरिंग समर सीज़न। अगर आप पोटेशियम सिट्रेट को बड़े ग्लास पानी में डाइल्यूट करके दिन में दो बार समर सीजन में लेते हैं, दिन में एक बार भी लेते हैं, तो किडनीज़ को हेल्दी रखेगा, पेशाब के अंदर स्मेल नहीं आएगी, पेशाब एकदम क्लीन आएगा, किडनीज़ एकदम क्लीन और फ्लश रहेगी। और समर्स में आप कितनी भी जिम कर ले, कितनी भी एक्सरसाइज कर ले, आप एक हेल्दी जो है अपनी किडनीज़ को पाएंगे। तो इन्जॉय योर समर्स। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ तो मैं यूरोलॉजी की बात करूँगा। अपने समर्स, अपने किडनीज़ का ध्यान रखिए, अपने पेशाब का ध्यान रखिए। अगर आप ये सारी जो डाइट्स है इसको प्रॉपरली लेते हैं, ये प्रिकॉशन फॉलो करते हैं, तो आपकी एक बहुत ही हेल्दी समर बीतेगी। इन्जॉय योर वाटर, इन्जॉय योर छाछ। चीयर्स एवरीबॉडी, स्टे ट्यून्ड।